क्या पता तुमने क्या बोला? मैंने बोला एक चिकन सूप एक वेज सूप, तो उसने बोला 30 रुपए। तो देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। देखो तीन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि द्रंसम बन जिसने ना देखी हो उसे टू समझ में आ जाए। अरे अंधेरे में कर रहे हो क्या भाई, लाइट तो जला लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज है संडे, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और मैं अभी अभी नहा के आया हूँ। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि संडे के दिन में ब्लॉग की स्टार्टिंग ना इतना लेट करूँ, अभी शाम के 5 बजे। बट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज सुबह से, कुछ नहीं किया, बस खाया और लेटा रहा, सो लिया, कुछ भी काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकला, तो बस ऐसे बोर हो रहा था। मैंने कि ऐसे पड़े पड़े काम नहीं चलेगा, तो चलते हैं अभी प्रेम नगर, देखते हैं क्या करना है। और सोचा था वर्कआउट करने का, मूड बनेगा तो करेंगे वरना देखते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ से निकल लेते हैं। ये है अपनी इव्योन 400 लीवर डिटॉक्स और बायोटी, तो फटाफट से खा लेते हैं। जो मेडिसिन मेरे को ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे खानी चाहिए थी उन्हें मैं अभी खा रहा हूँ, देख रहे हो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि कार से जाऊँगा, बट कार की हालत देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, तो अभी हम बाइक से चलते हैं। अभी अभी पहुँच गया हूँ मैं जिम, और ये देखो यामा वालों ने क्या लगा रखा है स्कूटी का एड, एक तो फैसिनो है, दूसरी पता नहीं कौन सी है। तो संडे को भाई साहब फुल पावर शांति, ये चेक करें आप, अंधेरा ही अंधेरा। तो लाइट वाइट जलाते हैं। अभी अभी जो मैं आर्म्स का वर्कआउट कर रहा हूँ ना, ये वाला वर्कआउट आप लोग ट्राई करना, मतलब मज़ा आ जाएगा। वो वाली बात हो जाएगी, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, समझ रहे हो। पैसे तो मैं ले ही नहीं रहा, बट फिर भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस मैं पी रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट ब्लूबेरी फ्लेवर, देख रहे हो कितना भयंकर है, साइकोटिक समर एडिशन, मतलब एक तरफा चीज है भाई। एक स्कूप से ज़्यादा पी लोगे ना हालत ख़राब कर देगा। तो अभी ऐसे जिम खुला हुआ था, बाहर से लाइट जलती हुई देखी किसी ने, तो एक भाई आया दूसरे जिम में जिम करता हुआ कहीं, कि भैया एक दिन वर्कआउट कर लूँ, पैसे ले लेना जितने भी बनते हैं, एक दिन कर लूँ अभी। मैंने बोला यार क्या एक दिन के पैसे लेने, कोई घिस तोड़ नहीं आएगा, मैं तो वैसे भी कर ही रहा हूँ, तुम भी कर लो क्या जा रहा है। तो भाई अंदर वर्कआउट लगा रहा है लेग्स का, और मैं भी चलता हूँ लगाता हूँ आर्म्स का वर्कआउट आप लोगों के लिए। तो आप लोग उस वर्कआउट को ना कल फॉलो करना, सच में मज़ा आएगा। बाकी मैंने अभी स्टेटस लगाया था व्हाट्सअप पे कि किसी को आर्म्स का वर्कआउट करना है मेरे साथ तो आ जाओ भैया, वीडियो बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो अभी एक दो लोगों ने मैसेज किए भैया हमारे, तो आधे घंटे वेट करता हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, पर ना भैया फिर तो जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भाई आया ना वर्कआउट करने के लिए, उससे बोलूँगा वो वीडियो बनाएगा, पर आप लोगों के लिए वीडियो ना बना के छोड़ूंगा आज। अरे अंधेरे में कर रहे हो क्या भाई, लाइट तो जला लो, अंधेरे में लगे पड़े हो क्या भाई, इतना भी पैसे नहीं बचाने लग लगा जाएगी। बढ़िया लेग्स लगा रहे हो, बढ़िया बढ़िया। सपोर्ट चाहिए तो बता देना, कोई दिक्कत हो, ठीक है, ओके ओके। तो भाई साहब भाई ना मैंने लाइट जलाई शुरू हो गया अंधेरे में, देखो। तो अभी अमन आ रहा है, अमन का मैसेज आया है कि भैया मैं भी करूँगा वर्कआउट, तो मैंने आ जा भाई, तो उसका वेट करता हूँ, प्री वर्कआउट भी थोड़ी देर लगेगी चढ़ने में। 2000 years later तो मैंने प्री वर्कआउट पी लिया था काफ़ी टाइम पहले, अब इचिंग हो रही है। अमन अभी तक नहीं आया है, मैंने उसे फ़ोन किया था, बोला भैया रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, तो देखते हैं कितनी देर में आ रहा है। तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना वार्म अप स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई साहब इचिंग हो रही है गंदी वाली। वार्म अप मेरा हो गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लगाने क्लोज ग्रिप चिनअप्स, 3 सेट लगाने मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ, जितने जितने रेपिटेशन आप लोग लगा सकते हो। फोन को मैंने स्टूल पर रख दिया है, जुगाड़ से दिखा रहा हूँ, जब तक अमन नहीं आता तब तक कैसे काम चलाना पड़ेगा। तो 15 रेपिटेशन मैंने लगा दिए हैं पहले सेट में, ऐसे ही आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं, देख रहे हो। 3 सेट चिनअप्स करने के बाद ना बॉडी पंप हो गई भयंकर तरीके से, अब मारेंगे अपना आर्म्स का वर्कआउट। जी साहब बड़ा जल्दी आ गया यार, भाई खुजली होने लगी पूरे में बुरी तरह से। ओ भाई शोल्डर क्यों मारेगा, आर्म्स मारेगा, कल मारे थे, मैं तो अभी आम से मार रहा हूँ, तो बस तेरे को वीडियो बनानी है, आम से नहीं मारना। मैं लो भाई बंदा तो आ गया, पर उसे लगाना है शोल्डर का वर्कआउट, मैं पर आर्म्स का लगाऊंगा, वीडियो बना देगा वो, कोई बात नहीं। सबसे पहले सभी लोग क्या करते हैं, बार बार कर्ड लगाते हैं, बट मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, ट्राई करना, गलत वो भी नहीं है,
बट ये वाले भी ट्राई करना। पहले हम लगाएंगे प्रीचर, तो मशीन में प्रीचर लगा रहा हूँ। इसमें टोटल 4 सेट लगाएंगे, 12, 10, 8, 6। तो अपनी एक एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अभी हम लगाएंगे ट्राइसेप पुश डाउन। तो शेड्यूल हमारा आर्म्स का ऐसा रहेगा, एक बाइसेप्स एक ट्राइसेप्स, एक बाइसेप्स एक ट्राइसेप्स। तो अभी लगाते हैं अपना पुश डाउन ट्राइसेप्स। तो देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। देखो 3, 1, 4 और एक तो करके चला भी गया भाई। एक आ गया था ऐसे अननोन कहीं से ना, रोड पर भटकते भटकते बोला भैया लाइट चली देखी मैंने, हमारे जिम का नहीं था कहीं और का था, थोड़ा एक दिन कर लूँ पैसे ले लेना। मैंने कि ना भाई पैसे पैसे नीचे ऐसे कर ले। वो नीचे कोई इवोल्यूशन जिम है वहाँ का बंदा था। ट्रायल पैकेज अपनी तीसरी एक्सरसाइज जिगजैग बारबेल कर्ल। तो सबसे बड़ी गलती है 80% लोग करते हैं जिम में, मैं भी देखता हूँ, सब ऐसे ही पकड़ लेते हैं उठा के पार्टनर हो जाते हैं। बट ऐसे नहीं करना होता है, पहले से थोड़ा सा टेक करो, अब इसे टाइट से पकड़ो, इससे ग्रिप अलग ही आती है। तो अभी हम लगाएंगे अपना स्कल क्रशर। ट्राइसेप्स के लिए ना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, स्पेशली ट्राइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो लगाते हैं फटाफट से, क्लोज ग्रिप पकड़ना है इसे। अभी हम करने जा रहे हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसे आप सिंगल हैंड या डबल हैंड दोनों तरह से कर सकते हो। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज भी ना बहुत ही भयंकर है, पर हमेशा एक चीज ध्यान रखें, इसमें ज्यादा हैवी वेट नहीं लगता है, तो इस चीज का ध्यान रखें वरना इंजरी हो सकती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एल्बो क्लोज, पूरा ऊपर लेके जाना है और स्लो डाउन। ये है अपनी छठने एक्सरसाइज ट्राइसेप्स। इसे आप रोप से भी लगा सकते हो, मैं लगा रहा हूं वी बार से, रोप से वी बार से और रोप से भी है। तो चलो कभी भी ना कोई से भी मसल का वर्कआउट करो, जबरदस्ती मत करो वेट के साथ। जितना आप लोग उठा सकते हो इजीली उतना ही उठाओ। मैंने बहुत सारे लोग देखे पूरे बॉडी को हिलाते जाएंगे अनसंट वेट मारते जाएंगे। अरे भाई लोग बॉडी बनानी है, मजदूर नहीं हो आप लोग, तो हमेशा लिमिट में वेट उठाओ, कभी भी ओवर लिफ्टिंग मत करो। प्लीज साथ में एक्सरसाइज डबल एंड हैमर कर्ल। तो दोनों हाथ से एक साथ लगाएंगे। ये है अपनी आठवीं और लास्ट एक्सरसाइज बेंच डिप्स। बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है अगर आप लोग सही तरीके से लगाते हैं। तो हमेशा अपने हाथ है ना क्लोज रखो ऐसे दिस में, ये और स्लो डाउन। बैक इतनी ज्यादा वाइड हो गई है ना कि कोनी ना क्लोज ही नहीं हो पाती भाई, बट हाथ क्लोज रख के मारो, बढ़िया एक्सरसाइज है। तो आज एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, चलते हैं प्रोटीन प्रोटीन पीते हैं। तो आप लोग ना ये वाला वर्कआउट एक बार ट्राई जरूर करना, पक्का मजा आने वाला है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 4 सेट रहेंगे, 12, 10, 8, 6 सेम वर्कआउट लगाना। चलते हैं अब। अभी पी रहा हूँ मैं अपना प्रोटीन पी के हम जा रहे हैं मैं और अमन सूप पीने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए, मन कर रहा था आज ठंडा मौसम है कि चलो सूप पी के आते हैं टी गार्डन में। तो बस निकलते हैं फटाफट से। बस कर भाई, तो वेजिटेरियन सूप पिएगा ना, वेज। चलो चलते हैं अभी टी गार्डन सूप पीने के लिए। ओ भाई लाइट लगने से बहुत सही हो गया यहाँ पे।
मैं तो काफी टाइम बाद आया हूँ इतनी रात में। बड़ा ही गर्म है। हाँ भाई मिल गया तेरे को? स्क्रीनशॉट दिखा दे। हम तो कर देने वालों में से है ना। हमने बोला एक बार पेमेंट कहाँ से करी? घर से करी है पे। पहुंच के जब पुराना वाला जिम था ना तब मिश्राई के साथ में काफी आता था यहाँ पे सर्दियों में ना। आज कम से कम 6-7 महीने वाला है और ज्यादा एक साल ही होने वाला हुआ। उसने पैसे काटे ना तो मुझे लगा भयंकर भूल गया क्या, पर चिकन सस्ता हो रहा है ना आजकल। क्या पता तुमने क्या बोला? मैंने बोला एक चिकन सूप एक वेज सूप, तो उसने बोला 30 रुपए। चिकन ही था ना जॉइंट संघ को नहीं दे दिया भयंकर। चिकन सस्ता हो रहा है ना, 160-180 कुछ है। यहाँ तगारे पता क्या कहते हैं? बुरो। हाँ। तगार ही ना समझते। मुगलवास पिक्चर देखे? पिक्चर देखे तिस्सम? कैसी लगी? तुम देखे? तुम्हें क्या समझ में आओ? एकदम बढ़िया। दृश्यम वन देखी है? वन देखी है? वन ना देखी, वन ना देखी, टू देखी है, समझ में आएगी। बहुत बढ़िया शाबाश। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दृश्यम वन जिसने ना देखी हो उसे टू समझ में आ जाए। साहिल बस तुम तो बहुत एडवांस निकल गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, दृश्यम वन देखी नहीं है और टू देख के समझ में आएगी। क्या बात है, बहुत एडवांस है ये तो। Tonight, baby, can you pray?